हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर पे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनु जसवाल डीजे ब्लॉगर। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपना आयरन राउंड इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इवन एनी इंटरव्यू में अगर आपको क्रैक करना हो, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, उन लिस्ट आप नोट डाउन करें और उसके आंसर लिखें अपने कॉपी में, और ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका कोई भी इंटरव्यू होगा इजीली क्रैक हो जाएगा। इतनी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। मैं जितने भी इंटरव्यू क्रैक करता हूँ तो ये सारे क्वेश्चन मैं गो थ्रू जरूर करता हूँ, और इससे मुझे हेल्प मिलती है आंसर क्रैक करने में, फ्रेमिंग करके आंसर देने में, और सामने लोगों को पता चलता है कि बंदा कितना स्किलफुल है। तो गाइज, ये नोट डाउन कर लीजिए उन लोगों के लिए, फिर से बता रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। तो ये 7 to 8 क्वेश्चन हैं जो आप नोट करो और आपको प्रिपेयर करने में हेल्प मिलेगी। नंबर वन नोट करिए आप, कैन यू डिस्कस योर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग सेल्स स्ट्रेटजी फॉर एनी पर्टिकुलर रोल। मैंने कुछ नोट डाउन किया इसलिए मैं उधर देख रहा हूँ, तो आप लोग लिख लो, कैन यू डिस्कस योर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग सेल्स स्ट्रेटजीज फॉर एनी पर्टिकुलर, यहाँ पर फॉर क्या पर्टिकुलर रोल आ जाएगा, किस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये आप प्रिपेयर करना चाहते हो। और सेकंड आपका आ जाएगा, हाउ डू यू प्लान एंड एग्जीक्यूट सेल्स इनिशिएटिव टू अचीव रेवेन्यू टारगेट। क्या क्या आपकी प्लानिंग रहती है, सामने वाला इंटरव्यूअर आपको समझना चाहता है कि प्लानिंग क्या करते हो, कैसे एग्जीक्यूट करते हो। सकता है प्लानिंग तो बहुत अच्छी बना ली, मैं ये करूँगा ये करूँगा, लेकिन आपने कोई प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो आपको इनिशियली बताना है, हाउ डू यू प्लान एंड एग्जीक्यूट एनी सेल्स इनिशिएटिव टू अचीव रेवेन्यू टारगेट, जो कंपनी का रेवेन्यू टारगेट होता है। ये नोट डाउन ऑफ गाइज, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कौन सा आंसर आपको नहीं आता क्वेश्चन का, तो मैं उसका एक वीडियो पर्टिकुलर उसको भी बना लूंगा। और दैट मैं अभी क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ, वो कि आप लोग आंसर अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन सबका अलग अलग है, क्या प्रोफाइल के अप्लाई कर रहे हो। इवन एशियन पेंट नहीं, किसी भी कंपनी अप्लाई करना हो तो आप यहाँ पे थ्रू अप्लाई कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, शेयर एन एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन यू हैव एस्टैब्लिश्ड टू बूस्ट सेल्स। इसमें आपको एक एग्जांपल बताना है कि जैसे जो आप पर्टिकुलर काम कर रहे हो, कैसे किसी के साथ मतलब एक पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन आपने किया और उससे आपकी कंपनी का और आपकी सेल्स का फायदा हुआ। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, शेयर एन एग्जांपल ऑफ एन सक्सेसफुल पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन यू एस्टैब्लिश्ड टू बूस्ट सेल्स। क्वेश्चन ध्यान सुनना, इस पे सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको नोट डाउन करना, सोचना है क्या क्या मैंने ऐसे किया था, सो डेट ये आपका हेल्प मिले इंटरव्यू को समझने में। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर बिहेवियर। लाइक हाउ डू यू एनालाइज मार्केट ट्रेंड एंड कस्टमर बिहेवियर टू ऑप्टिमाइज सेल्स अपॉर्चुनिटीज। ये कुछ टाइप का क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्टली आपसे पूछेगा कोई भी इंटरव्यूअर, तो उसका आपको आंसर टैकल करना है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर फाइव है, डिस्क्राइब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जाता है, आप भी कहोगे हाँ सर ये पूछा जाता है। डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग सेल्स सिचुएशन यू हैव एनकाउंटर्ड एंड हाउ डू यू ओवरकम। ये समझना चाहता है कोई एक प्रॉब्लम्स आई थी या एक मतलब टारगेट आया था जिसको आपको करना था और उसमें प्रॉब्लम्स हुई, तो आपने उसको कैसे इनकाउंटर्ड किया और कैसे ओवरकम किया। इससे ये आपको पता चलता है कि आप जब कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई टारगेट दिया जा रहा है, चैलेंज दिया जा रहा है, तब उसको कैसे एनकाउंटर करते हो, क्या प्लानिंग करते हो, कैसे एग्जीक्यूट करते हो, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करनी होगी। और नंबर सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट मैट्रिक्स डू यू प्रायोरिटाइज टू मेजर द सक्सेस ऑफ योर सेल्स टीम। मतलब अगर आप किसी टीम लीडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके नीचे टीम है, तो ये सही सवाल उससे रिलेटेड है कि आप क्या क्या मैट्रिक्स यूज़ करते हो किसी भी अपनी टीम सेल्स टीम की सेल्स मेजर करने के लिए। हो सकता है वो पूछना चाह रहा हूँ कि आपके सेल्स के नीचे 10 बंदे हैं, वो क्या काम कर रहा था, उनकी परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, उनको कैसे जज कर रहे हो, तो उससे आपको कंपनी को भी पता चलेगा कि हाँ ये ग्रो कर रहे थे, हम भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। और दूसरा एक पॉइंट है, ये भी इससे कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, दैट हाउ डू यू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन सेल्स एंड अदर डिपार्टमेंट। मतलब कि सेल्स तो आप कर ही रहे हो, बाकी सर अदर डिपार्टमेंट साथ कैसे आपका रिलेट कम्युनिकेशन बना रहे हो, सो डैट अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जैसे हमारी टीम में हम तो सेल्स कर रहे हैं और साथ में कस्टमर कंप्लेंट भी हैंडल कर रहे हैं, ये अलग डिपार्टमेंट है, तो इसका आंसर इसमें जोड़ के हम बता सकते हैं। ये तो मेरा एक पर्टिकुलर आंसर है, मैं कैसे फ्रेम करता हूँ, मैं तो फिलहाल अभी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये सारे फ्रेम क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और लास्ट एक है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट यूटिलाइज इन सेल्स एफिशिएंसी। क्या क्या टूल्स और टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए या इफेक्टिवनेस कैसे इम्प्रूव हो। तो ये लिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चंस है दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एनी इंटरव्यू। अगर आप ये 8 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली बता रहा हूँ इस 8 क्वेश्चंस के राउंड ही सारा इंटरव्यू होगा, और ये इंटरव्यू में अगर आपने आंसर इसका दे दिया, इजिली आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, चाहे एशियन पेंट्स हो चाहे कोई भी कंपनी हो। तो ये मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ रेगुलरली बेसिस पे, सो दैट मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए। फॉर दैट अगर इसको लगता है कोई इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज चाहिए हो, बता दूँ। और लास्ट एंड लीस्ट मैं आपको बता दूँ, अभी गुड न्यूज़ ये है कि अभी लोगों की कैंपस हायरिंग चल रही है अच्छे से, तो आप उसमें अच्छे से अप्लाई करें,
और आपकी हायरिंग न्यू का आता जा रहा है कि JFM में बहुत सी हायरिंग आ रही है, तो आप जाके करियर वेबसाइट पे जाइए और अपने TSC रोल पे अप्लाई करिए। अगर वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो लिंक्डइन पे जाके रेफरल मांगिए कि डैड आई नीड अ सपोर्ट, प्लीज़ रेफर टू मी। अगर आपको लगता है कोई मुझसे सपोर्ट चाहिए तो मेल ID मेरी नीचे मेंशन है, आप मुझे अपने रिज्यूमे शेयर करें। कोशिश जो फर्स्ट 5 रिज्यूमे होगा फीफो में, मैं उन्हीं को कर पाऊंगा कि ऑलरेडी मैंने मल्टीपल रिज्यूमे शेयर की हैं। फॉर दैट अगर और कुछ जानना हो वीडियो में तो मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहे और लाइक करते रहे। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।